तो राजस्थान जी के और साइकोलॉजी सर के पास पढ़ा था और उसी के दम पर मैं सिलेक्शन लेके गया। और मेरी 21,000 की वैकेंसी थी, उसमें मेरी 866 भी रैंक थी। गांव के 10 किलोमीटर पास में मेरे को पहली चॉइस की स्कूल मिल गई और बहुत बढ़िया स्टार्ट है वहाँ पर भी। और मेरा सिलेक्शन का जो आज जो पूरा पूरा ले लिया वो सब में जाता है, सर ने बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया था। और अब रही बात की कोचिंग के कंटेंट में, तो कोचिंग है तो मतलब वो तो आप सोचना भी मत, कहीं आपको दूसरी बुक जाके पढ़नी है ही नहीं। आपको पढ़ना क्या है, यहाँ से जो सर ने थोड़ी पढ़ा दी उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके निकालना है। मैं तो ये कहता हूँ अगर एक सब्जेक्ट के आपके दो टॉपिक सर ने पढ़ा दिए ना, तो बाकी टॉपिक आप खुद क्लियर कर सकते हो कि सर पढ़ाते किस तरह से। आपको पढ़ने का तरीका आ जाएगा कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे, सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, उसको याद कैसे करना है, वो तरीका आपको यहाँ से आ जाएगा। रीड में तो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पूरी साइकोलॉजी कम्प्लीट बड़े बड़े टीचरों से पढ़े रहते हैं। और मेरे रीड लेवल फर्स्ट के अंतर्गत साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे और वो बहुत टफ क्वेश्चन थे, फिर भी लड़कों के 5 और 6 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं थे। लेकिन मैं बताऊँ मैंने 10 में से 8 क्वेश्चन अटेंड करके आया था 8 के 8 से। जय गुरुदेव। मेरा नाम सुशील जाट है और मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के रियामपड़ी तहसील के एक छोटे से कस्बे से रियाज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ सबके पास ही कोचिंग की थी। अब मेरा क्या कि साइंस बैकग्राउंड था, साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, मैंने बीएससी की थी, जीके तो बिल्कुल ऊपर से जाती थी। जयपुर कोचिंग की, कुचामन कोचिंग की, सीकर कोचिंग की, जोधपुर कोचिंग की, कहीं पर भी जीके तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब करें तो क्या करें, और सारे दोस्तों ने यही कह दिया कि मतलब जीके तेरे को समझ में आती नहीं है, जीके के बगैर सिलेक्शन होगा नहीं। तो अजमेर चलते हैं, कॉलेज में राजनीति कर लेंगे 1-2 साल, फिर कोई धंधा देख लेंगे, और क्या है, सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ आए तो यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड था, रिलेशन में भी था, तो वो यहाँ पर कोचिंग कर रहे थे, उसका नाम था जय किशन रेणुआ। वो यहाँ से 2018 की भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गया था, वो 8वीं में 2 बार फेल हुए, लेकिन यहाँ से वो सिलेक्शन लेके गए। और अभी फर्स्ट ग्रेड में 2 गुणा में पास थे, लेकिन अभी 1 गुणा में नहीं हुआ उनका, उनका तो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार आप प्रद्युमन सर के पास जाओ, आ रहे जीके की देखो कोचिंग करो। तो मैं यहाँ आया और प्रद्युमन सर के पास मैं जीके की कोचिंग की, तो पता चला कि मतलब सर ने बिल्कुल पढ़ने का तरीका बता दिया था कि पढ़ना कैसे है, उसको याद कैसे करना है। और अब क्या कि अधिकतर लड़कों की ये दिक्कत होती है कि मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ अगर एक सब्जेक्ट के आपके 2 टॉपिक सर ने पढ़ा दिए ना, तो बाकी टॉपिक आप खुद क्लियर कर सकते हो कि सर पढ़ाते किस तरह से। आपको पढ़ने का तरीका आ जाएगा कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे, सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, उसको याद कैसे करना है, वो तरीका आपको यहाँ से आ जाएगा। तो फिर मेरे को तो मतलब मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर आया हूँ, उस टाइम तो ऑफलाइन कोचिंग थी, वहाँ पर तो कोई डेमो क्लास भी नहीं थी। आपने बड़ी बड़ी कोचिंगों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन नाम तो आपने सुना ही है। उस टाइम ऑनलाइन का जमाना नहीं था, ऑफलाइन का जमाना था। मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में गए, ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन कोई बात, बड़ा बड़ा बैच और ऊपर बिल्कुल जीके तो ऊपर से जाती थी, और साइंस बैकग्राउंड से मैं था, जीके समझ में आती थी नहीं, फिर करें तो क्या करें। फिर प्रद्युमन सर के पास आया और राजस्थान जी के यहाँ से कंप्लीट की, फिर पुलिस की तैयारी की थी। तो धीरे धीरे पुलिस में फिर मेरे साथ में एसटीसी हो गई थी, यहीं डाक कॉलेज से, यहाँ डाक कॉलेज में भी नंबर आ गया था, यहाँ से एसटीसी की थी। और उसके बाद में मैंने साइकोलॉजी अलग से क्लास दी थी यहाँ पर उस टाइम। तो अब साइको में क्या हुआ था कि मैंने 3 महीने कोचिंग की थी, जब रीट फ्री हुआ था उस टाइम तो मेरे एक सब्जेक्ट एक टॉपिक हुआ था ओनली फॉर बुद्धि का, उसके अलावा पूरी साइकोलॉजी बाकी थी। फिर भी मेरे इंग्लिश लैंग्वेज थी और 118 नंबर आए थे रीट में सर की वजह से। अब कोई बोलते हैं कि 3 महीने में 3 टॉपिक हुए, साइकोलॉजी इतनी बड़ी है, अब हमारा कैसे होगा। और रीड में तो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट बड़े बड़े टीचरों से पढ़े रहते हैं। और मेरे रीड लेवल फर्स्ट के अंतर्गत साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे और वो बहुत टफ क्वेश्चन थे, फिर भी लड़कों के 5 और 6 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं थे। लेकिन मैं बताऊँ मैंने 10 में से 8 क्वेश्चन अटेंड करके आया था 8 के 8 से। अब आप बताइए ना कि मतलब मदद के लिए 8 सही थे, आपके भी 8 सही थे, मैंने 8 ही किए थे 8 के 8 सही थे। और साइकोलॉजी के साथ साथ में जो टीचिंग मेथड आता है वो भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन वो साइको से जुड़ा हुआ था, तो उसके साथ में मैं वो भी कंप्लीट हो गया था। तो राजस्थान जी के और साइकोलॉजी सर के पास पढ़ा था और उसी के दम पर मैं सिलेक्शन लेके गया। और मेरी 21,000 की वैकेंसी थी, उसमें मेरी 866 भी रैंक थी। गाँव के 10 किलोमीटर पास में मेरे को पहली चॉइस की स्कूल मिल गई और बहुत बढ़िया स्टार्ट है वहाँ पर भी। और मेरा सिलेक्शन का जो आज जो पूरा पूरा दैर्य है वो सबको जाता है, सर ने बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया था। और अब रही बात की कोचिंग के कंटेंट में, तो कोचिंग है तो मतलब वो तो आप सोचना भी मत, कहीं आपको दूसरी बुक जाके पढ़नी है ही नहीं। आपको पढ़ना क्या है, यहाँ से जो सर ने थोड़ी पढ़ा दी उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके निकालना है। जितना ऑब्जेक्टिव निकालोगे उतनी आपको एग्जाम में पकड़ आएगी कि मतलब पेपर को करना कैसे है।
कई बच्चे होते हैं जिनको याद तो सब कुछ होता है लेकिन वो एग्जाम अच्छा नहीं कर पाते, उनकी वजह है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकालते हैं, उनको पता नहीं होता क्वेश्चन आता कैसे है, उसको करना कैसे है, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैंने तो लास्ट में 3 महीने में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले थे। तालियां बजा देंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको।